वैलेंटाइन डे के दिन सोमवार है, तो सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है, चंद्रदेव की आराधना भी की जाती है। इस दिन मन अच्छा रहे, मूड अच्छा रहे, इसके लिए आप शिव जी का अभिषेक करके ही अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलन की सोचें, मिलने की सोचें तो आपका भला हो जाएगा। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है, इसे पूरा देखिएगा। और आज सोमवार मतलब कल सोमवार है, और आप सोमवार के उपाय करके आप शिव जी को मना सकते हैं। 16 सोमवार विवाह के लिए प्रमुख माने गए हैं, 16 सोमवार का व्रत प्रमुख माना गया है। शिव जी की आराधना आप सतत सोमवार सोमवार करने से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग, अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, यही मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो सोमवार पर केंद्रित है, और सोमवार पर ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे शिव कृपा आपको प्राप्त होगी, शिव जी आप पर प्रसन्न होंगे और आपको तरह तरह का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि शिव जी भक्त वत्सल हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, भगवान हैं जो सबका कल्याण करने इच्छुक होते हैं, तो आपका भी कल्याण करेंगे और आप उनका आशीर्वाद लीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहेगी और आपका भला होता रहेगा। शिव पंचायत पूजी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस मंदिर में अकेले शिव जी होते हैं उनकी उपासना लव मैरिज के लिए की जाती है, तांत्रिक शिव जी उनको बोलते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, लेकिन प्रेम विवाह के निमित्त ऐसे शिव जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव मंदिर में बैठकर जानकी मंगल का पाठ करें, पार्वती मंगल का पाठ करें, आपकी हर समस्या तुरंत मिट जाती है। लेकिन शिव पंचायत में अगर आप गढ़जोला बांधते हैं, गढ़जोला मोली को बोलते हैं, मोली से बना हुआ धागा होता है, मोली जैसा ही धागा होता है या धागा होता है, तो उसको शिव जी, अगर आप लड़की हैं तो बागडोर शिव पार्वती जी के हाथ में दीजिए, अगर आप लड़के हैं तो ऐसे लपेटिए कि बागडोर शिव जी के शिवलिंग पर ठहर जाए। अगर आप बागडोर मतलब मोली लपेटना मेरा उद्देश्य आशय है, तो मोली इस तरह से लपेटें कि अगर आप अपने हाथों में मतलब स्त्री हैं तो पार्वती माँ के हाथों में छोड़ दें मोली को, और अगर आप पुरुष हैं तो शिवलिंग पर लपेट कर छोड़ दीजिए, सिरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए, तो आपकी दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। अगर आप लड़के हैं तो आपकी चलेगी, और आप लड़की हैं तो आपकी चलेगी ये प्रक्रिया करने से। तो इसको अपना के देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मोली लपेटते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य ही करना है, इससे आपका मन प्रसन्न होता है, आपका चंद्रमा अच्छा होता है, जिससे आपकी मनोवृत्ति अच्छी हो जाती है और आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं। शिव जी पर सिंपल जल से आप अभिषेक कर सकते हैं, या दही से अभिषेक कर सकते हैं, या दूध से अभिषेक कर सकते हैं जो कच्चा होना चाहिए, या गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं, किसी भी तरह का अभिषेक शिव जी को प्रिय होता है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। विशेष परिस्थिति में घी से भी अभिषेक किया जाता है, या हल्दी के पानी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल का प्रयोग भी किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार से अभिषेक करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का विधान प्राचीन काल से ही रहा है, और आज भी इसका प्रयोग बहुत ऐसे होता है। आप शिव जी को अगर बिलपत्र चढ़ाते हैं तो दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। धतूरे के जो प्रयोग से मतलब धतूरा चढ़ाने से शिव कृपा आपको मिलती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी को विशेष प्रिय होती है भांग, भांग चढ़ाने से भी शिव जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। सफ़ेद आंकड़े के पुष्प भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं और अपनी मनोकामना इससे प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़े का जो पुष्प होता है या आंकड़ा का पत्ता होता है वो भी शिव जी को विशेष प्रिय होता है, शिव जी को इसे भी चढ़ाया जा सकता है। तिलक लिंग भी आप कर सकते हैं, तिलक लिंग उसको बोलते हैं यदि किसी शिवलिंग में माथे के ऊपर माथे पर टीके जैसा कोई चिन्ह हो तो उसे तिलक लिंग बोलते हैं, ये बहुत शुभ होता है। शिव जी को नाग केसर भी बहुत प्रिय होती है
और इसको चढ़ाने से शिव जी की कृपा आपको मिल सकती है। आज मैं आपको बता रही हूँ नाग केसर की पोटली बनाने की विधि, इसे कैसे बनाएं आइए जानते हैं। आपको एक नया पीला वस्त्र लेना है, उसमें हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, तांबे का टुकड़ा या सिक्का, चावल और नाग केसर रख के एक पोटली आपको बनानी है। इस पोटली को आपको शिवलिंग के या शिव जी के सम्मुख रखनी है, धूप दीप देकर पूजन करना है और इसे सिद्ध कर लेना है। इसको आप घर लाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी अलमारी में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपके घर में धन का सैलाब उमड़ उमड़ के आएगा। आपकी ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, धनाढ्य व्यक्तियों की श्रेणी में आपका नाम लिया जाएगा। ये पोटली जिस घर में होती है उस घर में परम सिद्धि हो जाती है, परम समृद्धि हो जाती है, धन का कभी अभाव नहीं होता। वो परिवार करोड़ों में खेलता है, लाखों में खेलता है, अरबों में खेलता है, उसके धन की दृष्टि से कभी कमजोरी नहीं आती, धन उसके घर में बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो इसको आप अपनाइए। मैंने प्रेम विवाह के साथ साथ धन बढ़ाने के भी उपाय आपको बता दिए। तो नाग केसर बहुत समृद्धिशाली होती है और इसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। ये बहुत चमत्कारिक हर्ब है जो कहीं भी मिल सकती है, आपको पंसारी की दुकान पे भी मिल सकती है, आप इसे ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं। कुल मिला के ये चमत्कारी हर्ब है जो आपको धन संपदा से मालामाल कर सकती है। कंगाल भी इसके प्रयोग से मालामाल हो सकते हैं, धन संपदा के मालिक बन सकते हैं। नाग केसर के प्रयोग से आप आकर्षण क्षमता भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, इससे वशी